हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। तो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो है एक वाइल्ड टर्मरिक, जिसे कि हम कस्तूरी हल्दी के नाम से भी जानते हैं। तो उसी प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये है मोनबेयर की वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, जो कि कस्तूरी हल्दी के नाम से भी जाना जाता है वाइल्ड टर्मरिक को। ये आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके फेस पर पिंपल या एक्ने हैं तो ये जो टर्मरिक है वो उसे रिमूव करती है। आपके फेस पर अगर कोई स्कार्स है उसे भी ये रिमूव करती है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, लाइटन अप करती है, और आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाती है। तो इसे यूज करने के जो भी तरीके हैं वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में जो है शेयर करूंगी। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मैंने कहां से परचेज किया है, क्या प्राइस है, और क्या इसकी सेल्फ लाइफ आपको मिलती है। तो ये है मोनबेयर की वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, जो कि 100% नेचुरल है। इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो आपको इसमें 100 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ इस पर मेंशन किया गया है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया गया है। इसके बैक साइड जाएंगे तो आपको इसे यूज़ करने का जो है डायरेक्शन यहाँ पर दी हुई है। इसके प्राइस की बात करूं तो इस पर मेंशन किया गया है 449, बट ये 350 के अराउंड आपको मिल जाएगी। इस पर जो है डिस्काउंट चलता रहता है, और उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको 1 साल की मिल जाती है। तो 1 साल तक ये काफ़ी इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और ये जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कहाँ से परचेज किया है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अमेजन पर आपको ये जो है इजीली मिल जाएगा। आप बात करते हैं इसे यूज़ करने की, तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है। आपको जो है इसकी 2 स्पून लेनी है, 2 टीस्पून, और आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसमें जो है लिक्विड ऐड करना है। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसके पाउडर में ऐड करना है गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल जो है एक कूलिंग प्रॉपर्टी होता है जो कि आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो वो आपके फेस से जो है एक्स्ट्रा ऑयल भी एब्जॉर्ब करता है। तो आपको इस पाउडर में मिलाना है गुलाब जल, और उसका पेस्ट बनाकर आपको अपनी स्किन पर जो है इसे अप्लाई कर लेना है। अब बात करूँ अगर मैं ड्राई स्किन की, तो अगर गाइज आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। कच्चा दूध को ऐड करेंगे और उसके बाद जो है आप अपनी स्किन पर इसे अप्लाई कर लेंगे। साथ ही साथ अगर बात करूँ मैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन की, तो आपको ऐड करना है उसमें कर्ड, या आप कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इस तरह से जो है आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है इसमें अपने जो है उस लिक्विड को ऐड कर सकते हैं, और अपने फेस पर जो है आपको ये अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट इसे अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद आप जो है जो नॉर्मल वाटर होता है उससे आपको जो है फेस वॉश कर लेना है। देखने में ये जो कस्तूरी टर्मरिक है वो कुछ इस तरह की क्रीमिश कलर की ये जो है इसका पाउडर आता है, काफ़ी फाइन पाउडर है। बस इसके जो है 2 टीस्पून आपको लेने हैं एक बाउल में। तो मैं यहाँ पर जो है 2 टीस्पून ले रही हूँ, उसके साथ ही मैं यहाँ पर गुलाब जल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। इस मिक्सर को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा जो है मिक्सर अभी सूखा है, तो इसमें आप और गुलाब जल ऐड करके इसे एक लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने चेहरे पर इसे अप्लाई कर लेना है। ये जो लिक्विड होता है इसे यूज़ करने पर आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें से कपूर जैसी एक फ्रेग्रेंस आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करें तो आपकी जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ, अपने हेयर को अच्छे से जो है टाई कर लिया है, और उसके बाद मैं इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। 20 से 25 या 30 मिनट आपको इसको जो है अपने फेस पर ऐसे ही रखना है जब तक कि ये ड्राई हो, और उसके बाद जो है आपको सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है एक मोटी सी लेयर अपने फेस पर इस फेस पैक की लगा रही हूँ, और ये है फेस पैक को वॉश करने के बाद। और आप मेरी स्किन देख सकते हैं, फेस पैक लगाने के बाद मेरी स्किन जो है काफ़ी मुझे सॉफ्ट लग रही थी, काफ़ी जो है सूदिंग लग रही थी। गाइज बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस प्रोडक्ट को अगर आपको परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।